हमने काफ़ी पेन के बारे में बात किया है एंड उसके ट्रीटमेंट लाइंस के भी बारे में बात किया है. आज मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करती हूँ. Despite having the largest population in the world, nearly 27 million couples in India are actively struggling with infertility. One of the main causes is endometriosis, which often goes undiagnosed. However, if treated on time, infertility can often be resolved. So, watch this video till the end to learn how to diagnose this condition and explore possible treatment options. Namaste. अगर आप मेरे वीडियोस पहले फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा कि एंडोमेट्रियोसिस, विच इज़ एसेंशियली आम भाषा में पीरियड पेन, बट वो सिर्फ पीरियड की वजह से नहीं, इट कैन इफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सब जगह इफेक्ट हो सकता है. यूजुअली पेशेंट्स दो टाइम पे आते हैं, या तो उनके बहुत सिवियर पीरियड पेन होते हैं जब बचपन से आपस में फैमिली लाइफ इश्यूज होने लगती है बिकॉज ऑफ पेन. दूसरी प्रॉब्लम होती है जब उन्हें बच्चे नहीं होते आफ्टर मैरिज. आइदर दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन हैविंग इंटरकॉर्स, सेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू पेन. और सेकेंडली जब बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं बट बेबी नहीं हो रही है. एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, ऑल्दो देर आर मल्टीपल अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. कैसे एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी कॉज करता है? वन, बिकॉज देर इज़ वन कंपोनेंट ऑफ द यूट्रस इन एंडोमेट्रियोसिस कॉल्ड एडिनोमायोसिस, जिसमें आपके यूट्रस थोड़े डिसफॉर्म्ड हो सकते हैं. द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको एंडोमेट्रियल लेयर बोलते हैं, दैट ऑल्सो कैन गेट डिसफॉर्म्ड. सेकेंड, आपका एनवायरमेंट, पेल्विक एनवायरमेंट ऐसा होता है विच मे बी टॉक्सिक टू द स्पर्म. थर्ड, अगर ओवरीज इन अफेक्टेड है और अगर सिस्ट है ओवरीज में, तो आपका एग क्वालिटी कम हो सकती है, एग नंबर कम हो सकता है. फोर्थ, अगर ट्यूब्स अफेक्टेड है, ट्यूब इज़ वेरी वेरी मच डैमेज, फिजिकल डैमेज हो सकता है, फंक्शनल डैमेज हो सकता है. सो दीज आर वेरी बेसिक कॉजेज एंडोमेट्रियोसिस, जैसे इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? यू फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है. वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री विथ एग्जामिनेशन होता है, देन वी गेट MRI टेस्टिंग डन टू सी अगर सब कुछ बराबर है कि नहीं. और यू कैन डायरेक्टली गो विथ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब माइक्रो की होल सर्जरी टू सी अगर इन ये सब कोई प्रॉब्लम्स है. अगर ये सब कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको हम सर्जिकली रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिलिटी एनहैंसिंग सर्जरीज बोलते हैं, ऑल डन अगेन बाई की होल सर्जरीज, आइदर लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक. एंड आफ्टर दैट यू मे और मे नॉट बी गिवन हार्मोनल सप्रेशन, जिससे आपके एक्टिव एंडोमेट्रियल सेल्स थोड़े डीएक्टिवेट हो सके. हर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को IVF लगता है, ऐसा नहीं है. अगर सर्जरी और अगर आपकी एनाटमी, नॉर्मल पेल्विक एनाटमी अगर रिस्टोर हो चुकी है, एंड डिपेंडिंग ऑल्सो अपॉन योर एज एंड योर पार्टनर एंड योर अदर हेल्थ कंडीशंस, डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी. एंड इन माय एक्सपीरियंस द नॉर्मल प्रेगनेंसीज होते हैं और बहुत अच्छे नंबर्स एंड रेट में होते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को IVF कराना चाहिए. ऑल्दो काफ़ी एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट जो नॉर्मली नहीं कंसीव करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन वॉट ग्रेड इट इज़ एंड क्या उनका एज है, मे रिक्वायर IVF टू गेट प्रेगनेंट. थैंक यू.